एम्मा, एक खुशखबरी है, बहुत बड़ा खुशखबरी, एकदम बढ़िया वाला खुशखबरी। ये बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि कल हम लोग को हेलो दोस्तों, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। दोस्तों अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और आज हम लोग का छत का ढलैया का 8वां दिन है। शुक्रवार को छत लादा था और आज है शुक्रवार, और मिट्टी भी छत लादने के 2 दिन बाद ही दोस्तों इस पर रख दिया गया था, और पानी वानी भी लगभग 5 दिन हो गया, 5 दिन से ये पानी भरा पड़ा है और आज इसका भी लास्ट डेट है। और 2 दिन बाद लगभग दोस्तों हम लोग का सेंटरिंग भी निकलेगा, उसके बाद हम लोग का घर का फाइनल लुक दिखेगा और उसको देखने के लिए एकदम पूरा एक्साइटेड है हम लोग। भाई साहब उस दिन दिखेगा कि यूट्यूब की कमाई से, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से जो हमारा नया घर बना है वो, उसकी खुशी भाई साहब एकदम अलग होगी, जो घर के सामने से नजारा दिखेगा, होए होए होए, तसल्ली मिलेगी, सुकून मिलेगा उस दिन। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये जो पानी है ना इसको यहाँ से खाली करना है, ऐसे ऐसे कटा देते हैं, इधर आ जाएगा पानी। और हवा तो देखो, रे बाप, बड़ी तगड़ी हवा है, लू लू लग रहा है, एकदम एकदम कछा का घाम भी है, धूप भी है और हवा भी चल रहा है, एकदम लू जो होता है ना चेहरे पे महसूस होता है, गर्माहट गर्माहट इस सीजन में, और हम जैसे लोग करिया हो जाते हैं, यही डर रहता है दोस्तों हम लोगों को। इधर इधर भी कटा दे भाई, काला तावा बोल रहा है अपन को, समझ नहीं आ रहा कैसे पानी जाएगा, इसको नहीं समझ में आ रहा दोस्तों कि पानी नीचे कैसे जाएगा, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, ये जो पाइप है तो इसके अंदर से पानी जाने का कोई जुगाड़ नहीं है, और इधर भी पाइप एक लगा है नीचे पानी जाने के लिए, तो इधर भी कोई जुगाड़ नहीं है, तो इसीलिए छोटा भाई कंफ्यूज है कि पानी नीचे जाएगा तो जाए कैसे, तो इसके लिए भी जुगाड़ है। आगे बढ़ने से पहले मैंने पिछले वीडियो के कुछ कमेंट देखा जिसमें कुछ भाई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मुकेश भाई मुझे कोई अर्निंग का सोर्स बता दो, मैं स्कूल कॉलेज में हूँ या जॉब कर रहा हूँ, मुझे एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है। तो मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च करा और मुझे पता चला मार्केट में एक नए इंडियन गेमिंग स्टार्टअप के बारे में जो MGA और आईटेक लैब्स जैसी ट्रस्टेड सोर्सेस से वेरीफाइड है, साथ ही इसमें पैसे कमाने भी बहुत आसान है, बस साइन अप करो और वेरिफिकेशन होते ही मिल जाएगा आपको 500 रुपए एज अ बोनस। अब देखो इसमें एक गेम है कॉइन फ्लिप, मैंने अपने बोनस में मिले 500 रुपए को इस लो रिस्क वाले गेम में लगाया, लो बन गए 1500 रुपए, एंड अभी मैजिक तो देखो मैंने ये वापस से 1000 रुपए लगाया और गेम खेलूंगा 2000 रुपए, अब मैं इस बिनिंग अमाउंट को विड्रॉल करने जाऊंगा, लो पैसे आ गए मेरे अकाउंट में इंस्टेंटली। तो आपने देखा मैंने कितना आसानी से बोनस में मिले 500 रुपए को 2000 करके अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर लिया, जबकि मैंने केवल 5 मिनट इसमें स्पेंड किया है। आप भी दोस्त अपने दिन का केवल आधा घंटा लगाकर डेली का 5 से 10 हजार इजिली अर्न कर सकते हो, और ये ऑफर बस कुछ ही दिनों के लिए है, तो अभी से लग जाए और अपनी अर्निंग जर्नी स्टार्ट करो। खास मैंने अपना रेफरल कोड कमेंट बॉक्स में पिन किया, जिसे यूज करते ही आपको मिल जाएगा 500 रुपए एज अ बोनस। पाइप फेंक सकते हो? नहीं नहीं, इधर पिताजी यहाँ तक पाइप फेंक सकते हैं कि नहीं पता नहीं आएगा कि नहीं, उसी पाइप के सहारे पानी जाएगा नीचे, आएगा 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 आएगा, बहुत खूब। हाँ इसको पकड़ यहीं लगा, वहीं पर रख दो, वहीं पर रख दे। हाँ दादा, हाँ हिंचो हिंचो, एक बार पकड़ ले मौसम ना, तो उसके बाद दिक्कत नहीं है। अरे फाप रे, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, चालू हो गया, उसको पूरा दबाए रखना पानी के अंदर, वाटर सप्लाई हो रहा है, वाटर सप्लाई। काफी हद तक हम लोग पानी खत्म कर लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो जा ही नहीं रहा था, अब इधर की बारी आ गई है, थोड़ा सा जो बचा है ये भी खत्म हो जाएगा आराम से, वे पेड़ झर्रा जैसे इसका आराम से। क्या कर रहा है बे, तू ही कुछ कर रहा है, पाइप गिरा दे, हो गया पानी। दोस्तों अभी शाम के 5 बज चुके हैं और सूरज भी ढलने ही वाले हैं, और एकदम बढ़िया ठंड ठंड मस्त हवा चल रहा है, और हम लोग का जो छज्जे वाला डिजाइन है इधर बगल साइड POP के लिए ईट लगाया गया था ना, तो उसको निकाल रहे हैं, थोड़ा सा बचा हुआ आधा से ही कम, सारा ईट में दरखाना से छेड़ दिए हैं, अब बस दोस्तों इसको उठा के उधर साइड रखना है, छोटा भाई तो देखो रख ही रहा है, हम भी चलते हैं रख देते हैं।
रख 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 जल्दी रख, खत्म हो गया पूरा। धीरे धीरे मौसम थोड़ा बिगड़ रहा है, लगता है रात को बारिश ना हो, बूंदाबांदी का संभावना दिख रहा है। दोस्तों ये अगला दिन है, सुबह के 7 बज रहे हैं। पता दोस्तों मेरा ना पहले 69 किलो वजन था और अभी 65 किलो हो चुका है। 2 महीना पहले हमारा तबीयत खराब हुआ था जिसमें बहुत वजन घट गया था, फिर 1 महीना पहले फिर से तबीयत खराब हुआ था, और 2 बार के तबीयत खराब से मेरा 7 महीने का जिम का जो फायदा था सब नुकसान हो गया, और अभी फिर से मेरा तबीयत खराब, वही हाल, खराई उराई हो गया है। और खराई जब भी होता है हमें ना, खराई मतलब एक गले में वो कुछ अजीब सा होता है, हम लोग गाँव देहात में खराई बोलते हैं, और अभी फिर मेरे को ना बुखार हो जाए, फिर डर लग रहा है, क्या बताएं, हड्डी वड्डी अम्मा बोल रही कि सब दिखने लगा। इतना कोशिश करते हैं, कूट पटांग कुछ खाते भी नहीं हैं, पता नहीं क्यों हो जाता तबीयत खराब। इतना मेहनत से दोस्तों ये सब बनाए थे, थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा बन रहा है, बॉडी पे मांस चढ़ रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई क्या हो गया है। और अम्मा अभी खाना बना रही है, क्या बन रहा अम्मा आज? दाल भात रोटी बनाई थी, अभी सब्जी तो काटी नहीं। अच्छा दोस्तों अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और हम लोग के जो छत पे मिट्टी है ना, अब इसको हटाने का टाइम आ गया है। ऐसे तसले में भर भर कर इधर पीछे फेंक देते हैं। तो दोस्तों अभी शाम के 5 बज चुके हैं और हम लोग काफी हद तक मिट्टी साफ कर लिए हैं, बस थोड़ा सा उधर साइड बचा हुआ है, थक गए थे इसलिए बंद कर दिए थे, और 3 बजे धूप भी बहुत तगड़ा था। बगल में अपना घर है टावर के सामने ही, वहाँ ये रहा टावर, इधर देखो बहुत सारे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हम भी आगे सोच रहे हैं ना जाएं थोड़ा खेलें, सालों बीत गए हम क्रिकेट नहीं खेले हैं, हमको खेलना भी नहीं आता। अरे खेलने की दूर की बात है, हमको लोग बैट भी नहीं पकड़ने देते, सिर्फ फील्डिंग कराते थे और ना हमको बैट पकड़ना आता है। अबे सही सही मार दिया बे, गया गायब हो गया इसका गेंद, नसीब में हमारे है ये नहीं कि खेल पाए, गायब। लो भैया मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए। हेलो, हम लोग के यहाँ ये छोटा वाला खेला खेला जाता है, वो बड़ा वाला नहीं जो खूब तेज फेंकते हैं। उतर जाई, रुक जा, हमको खेलने की बारी आ गई भैया। भाई साहब 4-5 साल बाद बैट पकड़े हैं हाथ में, चल भाई एक रन निकाल दे भाई, एक रन। रेंद रेंद ये हमारा स्टाइल है बैट पकड़ने का, बोगदा छाप बैट पकड़े भाई, बोगदा छाप अभी देख उड़ा दिया। अरे बाप रे, ए सुरी बंदे फुलटा दे भाई, फुलटा दे। भाई साहब 6 मार दिए, बच गए। दोस्तों अभी रात के 8 बज चुके हैं, खाना पीना भी हम कर ही चुके हैं, और अम्मा तो अभी बर्तन मांज रही है। और आप लोगों ने देखा था हम लोग के यहाँ क्रिकेट थोड़ा अलग मॉडल में होता है, वो बड़ा वाला नहीं होता है जो बॉलिंग कराया जाता है, वो वाला नहीं होता है। हम इतना बढ़िया क्रिकेट खेले हैं, आप लोग बताओ 10 में से कितना नंबर दीजिएगा हमको, रेटिंग की जगह तो बताइए। तो एम्मा एक खुशखबरी है, बहुत बड़ा खुशखबरी, एकदम बढ़िया वाला खुशखबरी, कल से एंट्री निकलेगा ना। हाँ तो दिखेगा हम लोग का घर कैसा बना है पूरा, ये बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि कल हम लोग को हम लोग का घर का फाइनल लुक दिखेगा, और उसके लिए तो बाप रे बाप इतना एक्साइटमेंट है हम, और कितना दिन से इंतजार कर रहे थे हम लोग का घर बनेगा, और ये सब वो सब मतलब कितने ज्यादा ख्याल रहते हैं मन मेरा भाई, सपना होता भाई कि हमारे पास एक नया घर हो, खासकर जब हमारे पास इतना खराब घर हो, खराब तो नहीं बोलेंगे जो कुछ भी रहता है अच्छा ही रहता है, लेकिन जब मतलब समझ रहे ना आप लोग, जब पानी उनी टपके तो थोड़ा तकलीफ होता है, उसके बाद दिल में यही ख्याल रहता है काश हमारे पास भी एक नया घर होता, और जब वो दिन आता हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने एक नया घर बनकर तैयार होता है,
बाप रे बाप, वो खुशी ना शब्दों में बयां नहीं कर सकते। वो सब तो कल ही पता चल पाएगा, क्योंकि कल ही ये सब सेंटरिंग निकलेगा, बल्ली गाजा वगैरह सब कुछ। तो अगले ब्लॉग में जब सेंटरिंग वगैरह निकलेगा, पूरा हम लोग के घर का फाइनल लुक दिखेगा ना, तो खूब मजा आएगा। तो आप लोग अगला ब्लॉग देखना मत भूलिएगा। और अभी हम इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज दोस्तों इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग उससे मिलते हैं कल के धमाकेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।